हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सो मुझे आप लोगों से पूछना है एक बहुत अहम सवाल। आई वांट टू नो, ईद सेकंड को होगी या थर्ड को होगी? ज़्यादा नहीं है, मतलब कोई वजह नहीं है कि मैं पूछ रही हूँ, बस मुझे अपने पार्लर दर्जी के काम करने हैं, क्योंकि दर्जी मुझे अभी भी वो कर रहा है, तरखा रहा है, एंड ही इज़ नॉट गिविंग मी द जोड़ा। हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि रमज़ान के आखिरी दिनों में आम आवाम ही नहीं बल्कि अदाकाराएं भी दर्जियों से परेशान हैं। ज़ारा नूर ने हाल ही में सोशल मीडिया पे काफ़ी क्यूट सी वीडियो शेयर कर दी है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि 2022 का रमज़ान मुबारक चल रहा है, तमाम तर लोगों ने रमज़ान की काफ़ी ज़्यादा तैयारियां की हैं, और अब जब रमज़ान ख़त्म होने वाला है, तमाम तर लोगों को शॉपिंग की पड़ी हुई है। सिर्फ आम आवाम ही नहीं बल्कि एक्ट्रेसेस भी ईद के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं और काफ़ी ज़्यादा तैयारियाँ करती हैं। दोस्तों, हर किसी को ईद के आने की काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है और वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं और खुशियाँ बांटते हैं। लेकिन इस दौरान बाजार भरा पड़ा होता है, तमाम तर लोगों को अपनी शॉपिंग की पड़ी होती है। इसी के साथ साथ ज़ारा नूर भी काफ़ी ऐसी सूरत हाल में परेशान नजर आई हैं। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सो मुझे आप लोगों से पूछना है एक बहुत अहम सवाल। आई वांट टू नो, ईद सेकंड को होगी या थर्ड को होगी? ज़्यादा नहीं है, मतलब कोई वजह नहीं है कि मैं पूछ रही हूँ, बस मुझे अपने पार्लर दर्जी के काम करने हैं, क्योंकि दर्जी मुझे अभी भी वो कर रहा है, तरखा रहा है, एंड ही इज़ नॉट गिविंग मी द जोड़ा। सो आई वॉन्ट टू फील ओके कि चलो ठीक है, मेरे पास कपड़े नहीं है ईद के, आपके पास हैं, होंगे, तो आई नीड टू नो कि ईद सेकेंड को है या थर्ड को है। तो मैं ईद शॉपिंग जा सकती हूँ अभी, और रोज़े कितने रह गए अब ईद में? 3 दिन रह गए, क्या होगा? आप अंदाजे से सी लेना। कैसे बना दो? प्लाजो बना दो, क्या बना दो? प्लाजो चलो, तारी के बाद मैं आती हूँ दुकान पे, ही रहना, कहीं चले ना जाना। हम यहीं शहरी तक बैठे होते हैं। चलो ठीक है, ठीक है ना, ओके बाय। ईद पे हर किसी की यही कोशिश होती है कि वह सबसे अच्छा और नया कपड़ा पहने। हर कोई एक दूसरे से अच्छा लगने की कोशिश में लगा होता है, क्योंकि ईद पे तमाम तर लोग एक दूसरे से मिलते हैं और कई गैदरिंग्स की जाती हैं। इस सिलसिले में कई शोबज इंडस्ट्री की एक्ट्रेसेस भी काफी ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि ईद आने वाली है और दर्जी ने उनके अब तक कपड़े नहीं सिए हैं। रमजान के आखिरी दिनों में हर कोई दर्जी से बहस करता हुआ दिखाई देता है कि आपने मेरे कपड़े अब तक क्यों नहीं सिए हैं, और जैसे ही ईद आने वाली होती है, दर्जी तब तक भी कपड़े सीते रहते हैं, और कई लोग तो ऐसे होते हैं कि लास्ट मोमेंट तक उनके कपड़े नहीं सिल पाते हैं। कि हर कोई इस बात से रिलेट कर पाएगा, तो दोस्तों कि आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलती है एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।